हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे चावल के आटे का मसाला पराठा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बनाना बहुत ही आसान है। चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और इसमें 1/2 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। अब इसे ढक देंगे ताकि जल्दी से उबाल आ जाए और हम फ्लेम को हाई कर लेंगे। अब इसके ढक्कन को हटा लेंगे। अब पानी में उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसमें 1 कप चावल का आटा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए ताकि चावल का आटा अच्छे से फूल जाए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे, 1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। हाथ पे थोड़ा सा तेल डाल के इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए मैंने इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ढक्कन को हटा लेंगे और इसे एक बार फिर से मिला लेंगे। देखिए मैंने इसे फिर से मिला लिया है। अब इसे हम ढक देंगे ताकि ये सूखे ना। अब इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे और इसका हम लोई तैयार कर लेंगे इस तरह से। हथेली की सहायता से इसे थोड़ा सा चिपटा कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा चावल का आटा लगाएंगे और इसे हम हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। देखिए इस तरह से। चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। देखिए मैंने पहले से ही तवा को गर्म होने के लिए डाल दिया था। तवा अब गर्म हो चुका है। अब इस पर थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह फैला देंगे। अब पराठे को तवे पर डाल देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। देखिए ऊपर से सिक चुका है। अब इसे हम पलट लेंगे और इसके ऊपर भी घी लगा लेंगे थोड़ा सा। घी की जगह आप तेल में भी बना सकते हैं। अब इसे हम फिर से पलट लेंगे और इसे इस तरह से दबा देंगे। देखिए दोनों ओर से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के बचे पराठे को सेक लेंगे। देखिए मैंने सारे पराठे को सेक के निकाल लिया है। अब चावल का मसाला पराठा बनके रेडी है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।